हेलो गाइस, वेलकम टू द इंक हाउस टैटू स्टूडियो। माय नेम इज अनिल कुमार। सो गाइस, बहुत से बिगनर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि निडल लगाने का सही तरीका क्या है। सो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मशीन में निडल लगाने का सही तरीका क्या है। हमारे पास दोनों मशीनें हैं, एक है रोटरी मशीन और एक है कॉइल मशीन। तो बारी बारी से हम दोनों मशीन में निडल लगाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं मशीन में निडल कैसे लगाते हैं। तो गाइज, ये है रोटरी मशीन एंड ये है कॉयल मशीन। तो पहले हम बताते हैं रोटरी मशीन में कैसे नीडल लगाते हैं, नीडल लगाने का सही तरीका क्या है। तो ये है ग्रिप एंड ये है टिप। तो टिप को पहले हम ओपन करेंगे। टिप को पहले हम ऐसे फिट कर लेंगे, उसके बाद हम निडल ओपन करेंगे। यह है निडल। इसमें मेन चीज़ है ध्यान देने वाली बात, ये निडल जो अपसाइड है इसको हमें लगाते समय ये नीचे की तरफ रहेगा। मीन्स कि अगर हम पहले ऐसे लगाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि निडल ये नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। इसको नीचे की तरफ रखना है। अभी हम मशीन लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ढीला करके ये जो निडल है उसको नीचे की तरफ रखना है एंड फिट कर देना है और इसको पुश कर देना है। और निडल हमेशा टिप से थोड़ा सा बाहर रखना है, एकदम माइन्यूट एंड इसको टाइट कर देना है। ये हो गया, प्रॉपर रेडी हो गया हमारा मशीन। ये है रोटरी मशीन में, इसके ऊपर फिर हम बाद में ग्रिप बैंड लगाएंगे। अब चलिए देखते हैं हम कॉयल मशीन में इसको कैसे लगाते हैं। ये है कॉयल मशीन। कॉइल मशीन में भी सेम प्रोसेस है, बस इसको ढीला करना है, इसको फिर वही चीज़ ध्यान देना है कि वो निडल का पार्ट नीचे की तरफ रहेगा एंड इसको यहाँ पे फिट कर देना है। फिट करने के बाद कॉइल मशीन में एक चीज़ ध्यान देना है कि निडल थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ रहेगा, जैसे कि ये इतना बाहर रहेगा। इतना बाहर रखेंगे तो आपको टैटू बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद कॉयल मशीन में आपको एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, ये मार्केट में मिल जाएगा, ये इलास्टिक है, रबर है। ये रबर को आपको यहाँ पे फिट करना है, ऐसा करके फिट कर देना है। अगर बहुत ढीला रबर है तो आप इसको डबल कर देंगे, बाकी अगर रबर सही है थोड़ा सा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये हो गया, प्रॉपर कॉयल मशीन रेडी हो गया है। इसमें आप ग्रिप बैंड लगा लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, इसका जब हम पावर सप्लाई में ऐड करते हैं, जो पहले का पावर सप्लाई है उसमें हम इसका स्पीड जो है 9 रखते हैं, और जो अभी का ये डिजिटल पावर सप्लाई है इसमें डिजिटल पावर सप्लाई है उसमें हम कॉयल मशीन के लिए इसका स्पीड 5.5 रखते हैं। एंड अगर आपके पास रोटरी मशीन है तो रोटरी मशीन के लिए इसका स्पीड हम 7 रखते हैं, इसका वोल्टेज 7 रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं ध्यान देने वाली बातें। सो इसमें ये हो गया है, इसमें आप ग्रिप बैंड लगा लेंगे। इसको हम एक बार आपको चला के दिखा देते हैं। ये है, इसमें स्पीड 5.5 वोल्टेज सेट किया है मैंने, और इसको हम चलाते हैं। निडल देख रहे हैं इसका, ये निडल इतना अभी बाहर आ रहा है, तो ये आपके लिए ठीक है। No time for me.
इसी को हम आपको रोटरी मशीन में भी एक बार दिखा देते हैं चला के। ये है रोटरी मशीन, रोटरी मशीन में आप एकदम इसको ऐसा रखना है, पॉइंट इसका निडल थोड़ा सा बाहर रहेगा और इसको टाइट कर देना है। अभी हम आपको रोटरी मशीन चला के दिखाते हैं। ये है रोटरी मशीन, ये देखिए इसमें निडल देखिए कितनी बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसे टैटू बनाते समय आपको ऐसे पकड़ना है, आप इसमें बैंड लगाना ना भूलें, ग्रिप बैंड। ओके, आपके पास ये पहले वाला पावर सप्लाई है तो उसमें आप कॉयल मशीन के लिए स्पीड 7 रख सकते हैं एंड रोटरी मशीन के लिए स्पीड उसमें 9 रख सकते हैं। इसमें स्पीड ये इससे बढ़ेगा और इससे कम होगा स्पीड। ओके, सो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं एंड अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो आप मुझे शेयर करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे एंड ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।